नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो के एपिसोड में। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि पथरी की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। दोस्तों कभी कभी तो ऐसे होता है कि जब हम गलत खान पान कर लेते हैं तब हमारे शरीर के अंदर यानी कि किडनी में पथरी की समस्या हो जाती है या पित्त की थैली में पथरी की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि अगर आप मेरे बताए अनुसार अगर आप सिर्फ एक बार इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी पथरी की गंभीर समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी भी पथरी की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और आप सोच रहे हैं ऑपरेशन करवाने की तो आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही असरदार और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के साथ। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको लेना है एक इतना बड़ा पत्थर चट्टा का पत्ता। दोस्तों पत्थर चट्टा को कहीं कहीं पत्थर चूर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाता है। आपको क्या करना है कि आपको लेना है मात्र 25 ग्राम पत्थर चट्टा का पत्ता और इसे पीस कर इसका पेस्ट या जूस तैयार कर लेने हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका जूस तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम इस जूस को एक ग्लास में ले लेते हैं। दोस्तों ये पत्थर चट्टा बहुत ही आसानी से किडनी की पथरी यानी कि गुर्दे की पथरी को बाहर निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस पत्थर चूर के पत्ते का जूस ले लिया। दोस्तों इसके बाद से हम इसमें एक और चीज़ मिला लेते हैं, वो है दोस्तों विटामिन सी यानी कि नींबू। दोस्तों इस नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इस नींबू की सहायता से हम अपने पथरी को बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको लेने हैं एक आधी कटी नींबू और इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसका जूस इसमें मिला लेना है। दोस्तों आप इस नींबू की मदद से अपनी किडनी यानी कि गुर्दे की पथरी को बहुत ही आसानी से जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों जब आपके शरीर के अंदर जब पथरी टूटेगा तो आपके सीने में हल्का सा दर्द जरूर होगा। तो दोस्तों उस दर्द को लेकर आप घबराए नहीं क्योंकि दोस्तों वो संकेत होता है पथरी का टूटने का। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नुस्खा बिल्कुल तैयार है। दोस्तों अब हमें जान लेना ज़रूरी होगा कि हमें इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको सुबह खाली पेट करना है। आप सुबह जब भी फ्रेश हो जाएं तो फ्रेश होने के बाद से आप इसे पी जाएं। दोस्तों अगर आप मात्र 4 से 5 दिन तक इसे पियेंगे तो आपकी पथरी की गंभीर समस्या से छुटकारा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये जो लिक्विड है ये आपके पथरी को बहुत ही आसानी से तोड़ने में और छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ पथरी की जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।